सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत दुनिया का अब पांचवा ऐसा देश बन गया है जिसके पास BO-5 नाम की एक फुली ऑपरेशनल सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल है। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि BO-5 मिसाइल और के सीरीज मिसाइल्स एक ही हैं या फिर अलग अलग। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज के एपिसोड में इस BO-5 मिसाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आपको बता दें कि BO-5 मिसाइल के सीरीज की K-15 मिसाइल है, जिसे सागरिका के नाम से भी जाना जाता है। और BO-5 इस K-15 मिसाइल का कोड नेम है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हैदराबाद में स्थित DRDO के मिसाइल कॉम्प्लेक्स में विकसित किया गया है। इस BO-5 या K-15 मिसाइल का विकास कार्य लेट 1990 में शुरू किया गया था और इसे मुख्य रूप से इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड अरियन क्लास सबमरीन को इक्विप किए जाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। और इस BO-5 मिसाइल को K-15 और सागरिका के अलावा धनुष के नाम से भी जाना जाता है। इस BO-5 मिसाइल के एक लैंड वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है और हालांकि फिलहाल अभी तो इसके लैंड वर्जन वाली मिसाइल का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लैंड वर्जन वाली मिसाइल को शौर्य के नाम से जाना जाएगा। इस मिसाइल के कई सारे परीक्षण किए जा चुके हैं और इसका आखिरी परीक्षण 25 नवंबर 2015 को INS अरियन से किया गया था। और इस परीक्षण के दौरान K-15 मिसाइल के डमी यानी एक अनआर्म्ड वाले वर्जन का इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल में 2-स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइल मैक्सिमम 1000 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 750 किलोमीटर है और जबकि 180 किलोग्राम के पेलोड के साथ 1900 किलोमीटर। और अपने कई सारे परीक्षणों के बाद अब ये मिसाइल पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।